ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आपके सामने लेकर के आए हैं मेथी भाजी मिक्स। आज की डिश का नाम है मेथी भाजी मिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ये प्रॉपर जो है सबसे पहले हमारा वर्क है, इस वर्क को आपको कर लेना है। ये अच्छी साबुत जो है साफ़ सुथरी मेथी की भाजी की हमने ये कटिंग कर ली है। अगले स्टेप में हमने जो है ये आलू की कटिंग कर ली है। अगले स्टेप में हमने टमाटर की कटिंग कर ली है और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो बढ़िया साबुत जो है बड़े बड़े तीन प्याज के जो गट्टे हैं हमने उनको जो है, देखो आप ये इस साइज इस टाइप से, मतलब ये लंबे में नहीं होना चाहिए, चौकोर हो और छोटी छोटी कटिंग में हो। तो तीन प्याज काटे हमने साबुत और ये यहाँ पे अगला हमारा जो लास्ट वर्क इसमें रहेगा, ये लगभग 10 से 12 ग्राम ये मैंने अदरक की कटिंग है बारीक और ये लहसुन की कटिंग हो गई और ये हमारा एक अपने स्वादानुसार आप मिर्च डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी आज की जो है मेथी भाजी मिक्स का रेसिपी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो फिर से देखें आप, मेथी भाजी, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और देसी तड़का जब आपके सामने लगता है तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो ये मैंने चूल्हे में आग लगाई है। फर्स्ट स्टेप में ये चूल्हे में ये धुआं हट जाएगा तब हमारा अगला स्टेप होगा, फिर हम कढ़ाई रखेंगे और इसके बाद हमारी अगली प्रोसेस होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल शुद्ध देसी तड़का की रेसिपी अभी तक आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं दिखाई होगी और ये मेरा प्रयास है कि आपके लिए जो है बिल्कुल देसी तड़का के माध्यम से शुद्ध और जैविक साग सब्जियां बना करके बताएंगे। तो ये हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होगा कि इसमें हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे में और इसमें हम एक छोटा चम्मच जो है इसमें हमने तेल डाला है, उस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हमारा जो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा ये आलू वाला, ये आलू हमें डाल देना है इसमें, ये इस तरह से ये आलू डाल दिए जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमने छोटी चम्मच इसमें तेल डाला है और इनको हमने प्रॉपरली ये मिला दिया और अब इन्हें हम धीमी आंच पे जो है ढक करके रख देंगे और इसमें एक हल्की सी भाप देना है। उसमें हल्का पिंक जो है उसमें कुछ कुछ दानों में ये आलू के पीसेज जो है कलर ले लेंगे और ये हल्के से पकेंगे और प्रॉपरली जो है इसमें ये भुन जाएंगे और इसके सीक्रेट्स जो है हम आपके सामने बताते जा रहे हैं। तो ये हमारे जो है आलू भुनते जा रहे हैं, इसमें हम जो ये सीक्रेट है हमारा ये जीरा वन, होममेड जीरा वन है ये और इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये टोटल ऑर्गेनिक है, ये जैविक जीरा वन है, इसमें आयोडाइज नमक नहीं है, इसमें सेंधा नमक, खड़ा नमक और काला नमक मिक्स करके और अन्य मसालों से बनाते हैं। तो ये जीरा वन हमने डाल दिया है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, दो चुटकी और ये थोड़ा सा हमने जो है एक चुटकी इसमें हल्दी डाला तो ये बहुत अच्छा कलर दे देता है इसका। ये आलू के पीसेस जो हैं उस हरी सब्जी के बीच में एक पिंकनेस जोन में है अलग दिखेगी तो हमारा कलरफुल जो है साग दिखेगा। तो ये हमारा ये इसमें पहला स्टेप है जिसे हमको कर लेना है और ये अब बिल्कुल लगभग भुन गए हैं और इन्हें हम अलग से निकाल के थाली में रख देंगे।
मेथी भाजी मिक्स के ये दूसरे स्टेप में हमने फिर से अब जो है 2 छोटा चम्मच जो है हमने इसमें फिर से आपका वेज ऑयल डाला है, खाने वाला जो तेल है ये हमने यहाँ पे मूंगफली का तेल इसमें डाल रहे हैं, ये कच्ची घानी का है और इससे बहुत ही लजीज और ये जैविक आपकी जो है सब्जी बनने वाली है। तो ये जैसे ही कढ़ाई में तेल होगा तो अब हम सबसे पहले इसमें 2 चुटकी इसमें जीरा डालेंगे, और जीरे होने के बाद ये जब जीरे हो जाते हैं तो फिर हम 2 चुटकी इसमें राई दाने डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें कटा हुआ पहले से अदरक लहसुन का यहाँ पे मिक्सचर जो है वो डाल दिया। ये आपका इसमें ये होगा, ये हल्के से भुनेंगे और इसमें स्वादानुसार आप अपना जो है हरा जो कटा हुआ मिर्च है वो डाल देते हैं आप। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि तीखा खाना जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, तो इस हिसाब से मैंने उसमें कम मिर्च डाली है। अब ये हो गया है, इसको अब हमने इसमें जो है ये आपका प्याज डाल दिया है, ये आपका प्याज होगा हल्का सा, ये जैसे ही आपका प्याज तैयार होगा इसमें थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इसमें कम है तो आप थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं, हम कम ही तेल की बनाते हैं, इसमें आपका जो है ज़्यादा फैटी जो है खाना नहीं बनता है, कम तेल का और टेस्टी खाना आप बनाएं और जैविक खाना बनाएं, तो ये हमारी रेसिपी की खासियत होती है। तो इस हिसाब से हम आपके सामने जो है ये देसी तड़का में मेथी भाजी मिक्स तैयार कर रहे हैं। तो ये जैसे ही हमारी प्याज होती है तो हम इसमें फिर ये धनिया डाल दी मैंने, धनिया पाउडर है 2 छोटा चम्मच, ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। इसके बाद ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और इसको डालने के बाद अब हम इसमें ये टमाटर के पीसेस डालेंगे, ये आप क्रम सा देखते जाइएगा। तो ये हमने टमाटर के पीसेस डाल दिए हैं और इनको हमें ढक के रख देना है, ये इस तरह से जो है इसे आप ढक देंगे। तो ये अभी आपने इसको ढक्कन निकाल के और ये देख लेना है, ये देखें आप, ये भली भांति जो है ये प्याज और ये टमाटर पक गया है। अभी हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे, इसमें गरम मसाला अभी नहीं डालना है, इसमें अब ये पूरा पक चुका है, इसमें हमने जो है ये कटा भाजी जो है मेथी भाजी अब ये मैंने अपन ने डाल दिया, इसको इसको हम फिर से चला देंगे, और इसको चलाने के बाद फिर से हमें इसे ढक के रखना होगा ये धीमी आंच पे। दोस्तों यदि आप LPG गैस में ये खाना बना रहे हैं थोड़ा सा अंतर आता है इसमें, मामूली टेस्ट कम हो जाता है, आप चाहें तो उसमें बना ले, पर अगर आपकी वस्तुएं जो हैं आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं साग सब्जियां अगर वो जैविक हैं तो निस्संदेह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अब चूल्हा हर जगह होता नहीं है, ये तो देसी तड़का है, तो इसमें आप चाहेंगे तो आप अपने
एलपीजी गैस में आप ये बना सकते हैं। और इसको हमने ढक के रख दिया है, बस ढकने के बाद ये इसमें हल्की सी आंच लगेगी धीमे धीमे, और इसके बाद हम इसमें फाइनली वो जो हमने पहले से भून के रख लिए थे आलू, वो आलू के पीसेस डालेंगे, और फिर ऊपर से लास्ट में हम जो है सेंधा नमक और गरम मसाला डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, और फाइनली आपकी बहुत ही लजीज देसी स्वादिष्ट और जायकेदार मेथी भाजी मिक्स बन जाती है। और ये आपकी इसमें जो है बढ़िया, ये आलू के पीसेस हमने डाल दिए हैं, और इनको डालने के बाद हमने सब जो इसमें मटेरियल है उसको हमने मिक्स कर दिया है। आप देखेंगे कि ये पूरा मिक्स हो गया है। अब इसमें हम जो है फाइनली ये भी घर में बना हुआ बिल्कुल देसी मसाला है, सारी खड़ी चीजें आप ले लें और इनको पीस लेंगे घर में, तो ये आपका देसी मसाला ही, इसको हम इसमें ये डाल देते हैं। ये हमने गरम मसाला, देसी गरम मसाला डाला, और ये हमने ये स्वाद अनुसार जो है ये खड़ा वाला जो नमक है उसको पीस के रखा है, हमने इसको डाला, ये प्योर जैविक जो है साग बनने जा रही है। और ये इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे लो फ्लेम में, और ये अब हमारी जो है आज की मेथी भाजी मिक्स बन चुकी है। और ये पकने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कटा धनिया डालेंगे, आप देखेंगे कि ये जो है हमारी भाजी बहुत ही देखने में भी बहुत स्पेशल लग रही। मैंने कहा था कि इसमें आपका जो कलर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, ये देखें आप, ये जो हमने आलू में हल्का सा हल्दी लगाया था तो ये कलर देखें आप, बहुत ही सोबर और अलग ही कलर दिख रहा है आपको। ये हमारी भाजी जो है बनके तैयार हो गई है। तो इस जैविक भाजी को रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और इसका स्वाद चखिएगा, और ये स्वाद चखने के बाद जब आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स टू ऑल।